हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियो पूरी तरह से मनोरंजन के लिए है। इस चैनल पर दिखाए गए किसी भी प्रकार की खरीदारी करने से पहले कृपया विक्रेता से स्वयं मिले। अगर आप खरीदारी करने के लिए किसी से संपर्क करते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी और चैनल किसी भी नुकसान, धोखाधड़ी आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाईके कोटलावत। दोस्तों आज मैं हूँ पुणे घोरपड़ेपेट में और हमारे साथ में है अकरम भाई। अस्सलाम अकरम भाई। वालेकुम अस्सलाम अकरम भाई। अकरम भाई माशाल्लाह काफ़ी अच्छा लॉट जमा किया आपने। जी जी। और सारे जैसे कि बोलूँगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी में बच्चे लाए अभी। हाँ। आपने ये टोटल कितने मेल और फीमेल है इसमें? अपने पास जो चार फीमेल है और तीन मेल है। चार फीमेल है? हाँ। और तीन मेल है? तीन फीमेल है। जी, तो शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत करो ना, इससे करो या फीमेल से करो। जी, नज़दीक बढ़िया थे आप जाके, थोड़ा क्वालिटी भी समझ में आएगी। अकरम भाई कभी लाए आपने ये माल? तो अभी पुणे का ही माल है ये। हाँ। बाहर से नहीं आया है जी, अपने पास आके एक दो से तीन दिन हुआ है। दो से तीन दिन हो गए? बाकी पुणे में से चार से पाँच महीने से पुणे में ही है। चार से पाँच महीने। और जैसे कि काफी बार देखता हूँ बैंटम आपके पास, माशाल्लाह ये फुल फर में आए। ये फुल फर में। और पेट के पास के बाल नहीं है अभी? आ रहे भाई, जब आया था ना वो जी, तो ये पीछे की झाप वाप कुछ नहीं था भाई। हाँ। सिर्फ हल्का सा बफ था। ये अभी तीन से चार महीने में पूरा बना लिया उसने। जी जी जी। डिटेल क्या है इसकी? डिटेल अभी ये 11 महीने का बच्चा है। 11 महीने का बच्चा है। हाँ। और फुल फर में है, क्वालिटी भी एकदम जबरदस्त है। बाकी तो क्या, अभी इसका वजन तो वजन एक रहेगा 20 से 22 किलो। 20 से 22 किलो रहेगा। हाँ। ये एंटिक एक्जोटिक जैसे कि वेट मैटर नहीं करता, नहीं करता है। खूबसूरती और जो इनकी क्वालिटी है वो डिपेंड करती है जी। अकरम भाई प्राइस कितना मांग रहे हैं? प्राइस इसका भाई जो भी रहेगा अपन पर्सनल में बता देंगे। पर्सनल में प्राइस बताएंगे अकरम भाई। अकरम भाई जो हमारे व्यूअर्स हैं थोड़ा नाराज हो जाते, बोलते यार पर्सनल में क्यों बता रहे हो? पर्सनल में क्या, अभी ये जो चीज़ रहती थोड़ी एक्सपेंसिव रहती नहीं क्या? हाँ। जो इसका शौकीन रहता वो अपने को, जिसको लेना रहता वो बार बार कांटेक्ट करके फोन करता है। ज़्यादातर अपने पास का ट्रेडर भी रहते हैं जी, ट्रेडर लोग की भी डिमांड यही रहती है कि भाई आप वीडियो बना दें तो प्राइस ना बताओ। नहीं क्या, वो भी एक बात है। और जो ये चीज़ के शौकीन कम रहते हैं, जिसको अगर समझ में आया अपने रेंज में है, अपनी पसंद का है, वो लोग कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। कॉन्टेक्ट कर लेते जी जी। ठीक है, अगले बकरे की तरफ बढ़ते। ये पाटिल की बात करते? हाँ, पाटिल की बात करते ना। ये अकरम भाई की होम ब्रीड है, पाटिल नाम रखा है इसका। माशाल्लाह। ये खास बात है ये बकरे में कि हम थक जाते, मैं पर्सनली काफ़ी बार खेल चुका हूँ इसके हाथ में, मगर आपको थक जाते, ये नहीं थकता। जी अकरम भाई, ये तो आपकी होम ब्रीड है, तो आपको तो परफेक्ट पता होगा कि ये कितने दिनों का है, कितने महीने का है। ये जो पैदा हुआ है 7 जुलाई को पैदा हुआ है। 7 जुलाई को 2023। ओके। हाँ। और क्वालिटी वाइज बोलेंगे तो कैसा है क्वालिटी वाइज? क्वालिटी में तो एकदम टॉप क्वालिटी है। एकदम टॉप क्वालिटी? एकदम टॉप क्वालिटी। अगर मैं अभी टॉप क्वालिटी जैसे कि कोई बोलता है तो हाँ। एक लोगों के जहन में यही आता है कि बफ लेके आएगा और फर लेके आएगा। हाँ, है ना। हर एक का सोचने का अलग अलग तरीका है, अपन हर एक का जजमेंट जज नहीं कर सकते। ये जो अभी अपना एक्सपीरियंस है, अपन अपना जजमेंट की बता रहे हैं कि ये 100% टॉप क्वालिटी में है जी। जैसे कि अक्सर लोग ब्रीडिंग के लिए बकरा देखते हैं। हाँ। हर कोई बफ वाला फर वाला बकरा नहीं लेता है। ओके। हर एक का अपना अपना अलग अलग इंटेंशन रहता है। कोई लोग ये सोचते हैं कि अपन यार बफ वाला लेंगे तो मेंटेन कैसे करेंगे, बाल रहेंगे तो मेंटेन अपन नहीं कर पाते जी। तो ये जो बकरे रहते हैं अभी, तो देखो इसके आंख पे बाल कम है। हाँ। और ब्रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और अच्छी है, ब्लड लाइन से बच्चा है ये जी। अभी 5 साढ़े 5 6 महीने में उसको देखो बफ आ रहा है उसको हल्का सा जी, और दाढ़ी भी आ रही है और साइज में भी एकदम क्वालिटी है। 0 साइज बताएंगे इसको अपन। 0 साइज? 0 साइज में एकदम। और कान जो चाहिए एकदम 11 नंबर में, माशाल्लाह उस टाइप के गोल कान है जो अभी ट्रेंड चल रहा है ये कान का। जी जी, उस टाइप में पूरे कान है इसके। इसका कितना मांग रहे अकरम भाई? इसके अपन मांग रहे 22,000 रुपये। 22,000 वो मांग रहे अकरम भाई। तो आप जैसे कि बताया, ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि क्वालिटी वाइज जैसे कि आपने बताया, तो हिसाब में इसके मुताबिक इसका 22,000 मांग रहा है ना? क्योंकि अभी लास्ट वीडियो अपन बनाए थे उसमें अपन ने अपने होम ब्रीड के दो बकरे भी दिखाए थे जिसके अपन ने 18,000 रुपये बताए थे जी। तो जो वो चीज़ का शौकीन रहता है ना, वो पैसे के लिए नहीं सोचता। ओके। अब वो जो अपन ने 18,000 रुपये बताने के बाद मेरे को लोगों ने उसमें जोड़ी के भी मांगे भाई, 4,000 रुपये की भी जोड़ी मांगे। 4,000 रुपये की? हाँ। ओके। जो उसका सही कदरदान रहता ना
वो अच्छी कीमत दे के अच्छे पर, उसको जिसको मालूम है ये बनने वाला है, वो बंदे ने मेरे को 17,000 रुपए दिया। 17,000 रुपए दे दिया जी, ठीक है। तो यानी कि कदरदान का या शॉप करने वालों का ये जैसे कि प्राइसिंग होता है ना, 4,000 रुपए में मिल जाता है? मिल जाता, बोले हमने लिए थे वहाँ से 4,000 रुपए में, सोलापुर के कोल्हापुर से कहाँ से मंगाया उन्होंने, ओके ओके, वहाँ से 4,000 में मिल गया था उनको। ओके ठीक है, तो वही उनको मिलता है वो हिसाब में वो मुताबिक मांगते हैं ना। आप क्वालिटी क्वालिटी में किसको समझेंगे, हर किसी को अपन नहीं समझा सकते ना जी। अगर ये अभी तीसरे बकरे की बात करते हैं, ये भी फुल प्लेफुल है क्या? बहुत प्लेफुल है भाई, मैं लाया हूँ जब से इनको खुला नहीं रखा हूँ, दोनों इतना लड़ते हैं कि कल इसने लड़ते लड़ते सिंग में से खून निकल दिया था। वो जैसे कि सिंग में से खून निकलना, वो तो नॉर्मली जब लड़ते हैं तो निकलता है, वो फिर भी रुका नहीं था वो, अच्छा चल रहा ही था। हाँ वो तो काफी मस्ती खोर बोलेंगे उसको ना, मस्ती मस्ती को जी। ये जो पहले हमने दिखा है ये सेम ही क्वालिटी दिख रहा है एकदम। हाँ सेम ही है ना जी। आकरम भाई बताइए इसकी क्या डिटेल है? ये अभी 10 महीने का है और ये भी बेंगलोर का ही है बकरा। बेंगलोर का बकरा है? हाँ बेंगलोर से ही आया है और फुल फर क्वालिटी में, फर क्वालिटी में मॉफ भी अच्छा एकदम जी। तो आकरम भाई देख के असल नहीं लग रहा है क्रॉस में कुछ? नहीं क्रॉस में अभी तो ये बनने का, जब बनेगा ना भाई ऑटोमेटिक फुल रूबाब में आ जाता है। जब तक रूबाब में नहीं है तो बकरा समझ में नहीं आता लोगों के जी जी। जब उस पर मेहनत होगी, जब बनेगा बकरा, उसके बाद कुछ चीज ही अलग हो जाती है। ओके क्या डिटेल है इसकी? इसकी डिटेल है अभी ये 9 से 10 महीने का है। 9 से 10 महीने का है। हाँ और वजन कितना है अंदाजा? वजन तो इसका 15-16 किलो। 15-16 किलो होना चाहिए। वो पहला वाला थोड़ा हेल्दी था ना? पहला वाला ज्यादा हेल्दी है जी। इसका भी पर्सनल बताएंगे अक्रम भाई? हाँ पर्सनल में बताएंगे इसका भी जी। ठीक है अक्रम भाई अभी आपकी फीमेल है वो दिखा देते। अक्रम भाई ये अभी पहली फीमेल निकाली आपकी? हाँ पहली फीमेल जी। ये कितने समय से आपके पास है? ये अभी तकरीबन हुए ना 25 दिन होने आए। 25 दिन होने आ गए? 20 से 25 दिन हो गए। ये कहाँ से सोर्स किया आपने? ये अपने पास आई थी हैदराबाद से। हैदराबाद से जी। हैदराबाद में शौक शौक चल रहा है इसका? हाँ हैदराबाद में चलता है ना भाई, चलता है शौक, पर उतने पैमाने पे नहीं है, पर है जी। तो आकरम भाई ये जैसे कि आपने लिया उनसे तो उनको पूछा क्या वैक्सीन हुआ है क्या नहीं? नहीं नहीं इसके बारे में तो नहीं पूछा, वो भी भाई अपने ट्रेडर है। मैंने पूछा था ना आपको लास्ट टाइम, बोला था सॉरी। तो वो भी भाई अपने ट्रेडर है, वो भी कहीं से माल मिलता है तो लेकर आते जी, तो कुछ रहा तो अपने को डालते अपने काम का जो रहा वो। मैं ज्यादातर देखता हूँ कि जो ट्रेडर रहते वो वैक्सीन तो कराते नहीं, कराते नहीं क्योंकि बकरा वैसा थोड़ा वो तो सेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है माहौल में क्लाइमेट। फिर अगर कोई हमारा भाई जैसे कि पालने के लिए लेता है तो करा लेंगे तो बेहतर रहता है ना, करा ले तो बेहतर। तो ये जो फीमेल्स होती है इनको जरा गाबन रहते तो नहीं कराते? मैं सुना गाबन वो भी कभी 3-3.5 महीने के ऊपर की गाबन को नहीं कराते उसको पहले करा सकते? उसके पहले जितने कम टाइम के रहेंगे उतना अच्छा है, ज्यादा टाइम में नहीं करा तो अच्छा जी। ठीक है डिटेल की बात करते, क्या डिटेल है? ये अभी 4 दांत पर है। 4 दांत पर है हाँ, और इसने अभी क्रॉस हुई अपने मेल के साथ। कौन से? पाटिल के साथ क्रॉस। अच्छा पाटिल के साथ में क्रॉस हो गई है। कितना टाइम हो गया क्रॉस हो गए? 15 दिन हो चुके। तो उसको फिक्स नहीं पकड़ते एक्चुअली? नहीं तो क्योंकि बड़ी बकरी है भाई ये, और बड़ी बकरी अक्सर क्रॉस हुई तो कंफर्म ही रहती है। पहलन वाली बकरी का थोड़ा अपन नहीं बता सकते। गारंटी लेंगे इसकी? हाँ गारंटी ले लेंगे। गाबन रहेंगी तो मैं बताऊँ ना, गाबन की गारंटी है अपनी इसकी। और हिट पे ही अगर भाई चाहता है तो अपने पास मेल है जो भी उससे क्रॉस करके चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। अगर वो भाई बोलते हैं एक्सचेंज करना है तो एक्सचेंज भी हो जाएंगे। अच्छा। पैसा रिटर्न चाहिए तो पैसा भी रिटर्न। माशाल्लाह ये काफी अच्छा एक, जैसे कि आपने ये बात बोल रहे हैं रिटर्न लेंगे या क्रॉस करा के देंगे, जैसा उनका जो भी रहेगा वो अपन करा के देंगे कि नाराज नहीं करेंगे यानी? नहीं नाराज का तो अपना काम ही नहीं है ना भाई, नाराज कराने का अपना काम है लोगों का शौक कराना, भी काम चलता रहे जी जी। अगर भाई थन देख रहा हूँ उसके माशाल्लाह बड़े। हाँ तो अभी बच्चे थे ना उसके नीचे, 2 बच्चे थे तो बच्चे बिक गए उसके। बच्चे बिक गए हाँ, तो अभी एक बच्चे नहीं है तो दूध, फिर अपने पास भी छोटे बच्चे नहीं ना तो अपन दिन में एक बार निकाल लेते। ओके कितना मांग रहे इसका अक्रम भाई? इसके अपन 15,000 रुपए मांग रहे। 15,000 रुपए मांग रहे हैं, कम ज्यादा करके दे देंगे। हाँ कम ज्यादा करेंगे। ठीक है अभी आपकी दूसरी फीमेल दिखाते। हाँ अक्रम भाई ये दूसरी फीमेल निकाले आपकी? हाँ जी। ये कितने समय से आपके पास? ये भी अपने पास आके 2-3 दिन हुआ, अपने दोस्त के घर की बकरी है जी, उनके पास एक तीन चार महीने हो गए आके। हाँ पड़ोस की है, ज्यादा लंबे की नहीं है। ओके ठीक है। हाँ। यानी कि पुणे में सिटी है? हाँ पुणे में एकदम फर्स्ट क्लास। और इसकी डिटेल क्या है? इसकी डिटेल अभी ये आदन तो नहीं है, शायद से 2 दांत लगा रही है। हाँ 2 दांत कर दिए और एक बार बच्चा दी है। इसके नीचे एक बच्चा है 10 दिन का। हाँ तो बच्चा अपन नहीं देना है, सिर्फ फीमेल ही देना है। क्यों नहीं देना अक्रम बच्चा? बच्चा अभी वो जो मेरा बेटा है उसको बहुत पसंद आया है। नहीं अच्छा अच्छा वो दिन भर लेके खेलता उसको। ओके
और आपको एक्सपीरियंस भी है तो जैसे कि आपका रह जाएंगे। हाँ, बाकी तो क्या मेरे पास फार्म पे है, पर वहाँ आना जाना अपना कम होता है ना, ये तो क्या घर पे तो बच्चा दूसरे बकरियों के नीचे पी लेता है। तो ये कितना एक ही बच्चा देती इसने? हाँ, अभी फर्स्ट टाइम एक ही देती, दूसरे टाइम दो देंगी। हाँ इंशाल्लाह दो देंगी। कितना मांग रहे इसका? इसके अपन 13,000 रुपये मांग रहे। 13,000 वो मांग रहे जी। और ये हीट पे कभी आएंगी? हीट पे अभी आ जाएंगे 15 दिन में। अच्छा 15 दिन में आ जाएंगे। ओके ठीक है, छोड़ दीजिए, इसमें कम ज्यादा हो जाएगा भाई? हाँ कम ज्यादा तो करा देंगे ना। ठीक है अगली बकरी दिखाते हैं। अकरम भाई ये जो लास्ट अभी दो फीमेल बच्चे हैं ये दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये तो एक से दो बार आ चुकी है वीडियो में। हाँ, एक से दो बार आ गई। काफी अच्छा वक्त गुजारा आपके पास? हाँ काफी टाइम हो गया ये। जी जी, इसकी बात करते सबसे पहले। हाँ इसकी कर लेते, डेटे बता दीजिए एक बार ऑफिस। ये अभी दो दांत पर है और दो बार जन्म चुकी है। ये दो बार जन्म चुकी है। हाँ ओके, और कितने कितने बच्चे थे ये अभी दोनों टाइम जो जनी है? एक एक बच्चा दिए। एक ही बच्चा दिए? हाँ जी। तो ये एक ही बच्चा देंगे हमेशा? अभी क्या आगे चल के तो बता नहीं सकते। आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? एक्सपीरियंस में नहीं, एक बच्चे तो कम बकरी बड़ी देती है, बाकी आगे चल के देना चाहिए। दो तीन में तो चार चार बच्चे भी देती है। ओके ओके। हाँ वो तो सुना मैंने, मगर उनका जो पेट का घेरा वगैरह है वो उतना बड़ा रहता है ना। ठीक है, कितना मांग रहे इसका? इसके अपन 7,000 रुपए मांग रहे। 7,000 रुपए मांग रहे माशाल्लाह। अगर हम भाई अभी सोरठ में दे रहे बकरी। हाँ सोरठ में एकदम। इसके पास एक बच्चा था साथ में? हाँ बच्चा भी, वो ये दो बच्चे जो मेरा बच्चा बहुत लेके खेलता है लोगों। अच्छा अच्छा, आपके बच्चे को माशाल्लाह शौक लग गया है? शौक लग गया, दिन भर वो साथ में रहता, मेरे आगे पीछे देखते रहता कब क्या खिलाते क्या नहीं। तो वो सब देखो अभी तो आपके बाद में ये इंशाल्लाह आपकी जगह ले लेंगे। ये छोटा इनका बेटा है ओवेस, माशाल्लाह काफी बार आ चुका है वीडियो में। ठीक है माशाल्लाह 7,000 रुपये में। हाँ ये भी कुछ होंगे उसमें 19-20? 7,000 में क्या देंगे भाई, इतनी बड़ी बकरी दे रहे अपन और क्या देंगे। नहीं नहीं अकरम भाई, लास्ट टाइम भी आपने एक बकरे का दाम बोला था, यानी 5,500 रुपये कुछ बोले थे आपने? 5,500 रुपये बोला था, और वो भी ऐसा हुआ कि मेरे को उसमें भी और कम में देना पड़ा, क्योंकि जो बच्चे के अपने को फोन आते हैं ना, बहुत लोग ने पैसे कैसे कैसे जमा करके रखे, क्योंकि अपन भी वो हालत से गुजरे, पर अपने पास वो टाइम पे इतना ये नहीं था जी। वो बच्चे ने मेरे को बोला भाई मेरे पास 4,000 रुपए। हाँ। और वो गल्ला फोड़ के निकाला था उसने। अच्छा उसने जमा किया? हाँ, था। बोले भैया मैं इतने दे सकता, मतलब ठीक है आ और लेकर जा। माशाल्लाह 4,000 में मैंने दिया था। यही मेन बात रहती है शौक कराने की। लोग तो सब बोलते हैं शौक कराना है, मगर ये असल में शौक कराना इसको बोलते हैं। जब उसने बताया ना मेरे को 4,000 रुपए, मैंने गल्ला फोड़ के निकाला पैसे, मैं बोला आ और लेकर जाओ। 10 से 15 मिनट में आया भी बच्चा और लेके चला। खुश हो गया बच्चा? बहुत खुश हो गया वो। ठीक है अकरम भाई, ये जो आखिरी फीमेल इसकी बात करते हैं। हाँ बताइए क्या डिटेल इसकी? ये फीमेल अभी अदंत है और एक बार जनी है। एक बार जनी है? हाँ जी। और इसका जो बच्चा था ये अभी बीच में अपने यहाँ 4-5 दिन पहले बारिश हुई थी जी, और मौसम 2-3 दिन काफी ठंडा था। ठंडा था और फार्म पे तो अपने यहाँ बहुत ठंडा था, तो उस मौसम में नहीं सर्वाइव कर पाया वो बच्चा, तो बच्चा मर गया वो। नहीं गया जी जी, देखा मैंने काफी कमजोर हो गया था। भी था और बहुत अच्छा बच्चा था जी जी। बरसात की वजह से थोड़ा मसला? हाँ बरसात की वजह से जी। ठीक है, तो अभी तो ये खाली रहेंगी? हाँ अभी खाली है बस। तो ये कितना समय लेंगी हिट पे आने के लिए? हिट पे ले आने के लिए अभी ये 15 से 20 दिन में हिट पे आ जाएगी। आ जाएंगी? हाँ ओके। कितना बच्चा नहीं है ना अभी, बहुत फास्ट हिट पे आ जाती है। तो कितना मांग रहे इसका? इसके अपन 13,000 रुपए मांग रहे। 13,000 रुपए मांग रहे अकरम भाई, इसका कम ज्यादा करके दे देंगे? हाँ कम ज्यादा तो हो जाता है हर चीज। ठीक है अकरम भाई, सारे मेल फीमेल आपको बता दिए। हाँ तो दो भाई अगर लेने में इंटरेस्ट होंगे जरूर आपको कॉल करेंगे। हाँ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।